हेलो एंड वेलकम टू एडियोहॉलिक। आज हम यूपीएससी 2020 में आया हुआ एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय टू कंक्लूजन्स। स्टेटमेंट क्या है? ऑल कैट्स आर डॉग, ऑल कैट्स आर ब्लैक। कंक्लूजन, ऑल डॉग्स आर ब्लैक, सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक। विच ऑफ द अबोव कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द टू गिवन स्टेटमेंट्स। ऑप्शन दिया गया है, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, नाइदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन टू, बोथ कंक्लूजन वन एंड कंक्लूजन टू। तो आइए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक तो वेन डायग्राम का मेथड है एंड सेकेंड मेथड है इनकम एक्सपेंडिचर का मेथड है। तो वेन डायग्राम के मेथड से हम लोग कभी कभी सॉल्व करते हैं, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ सकता है कभी कभी तो, और इनकम एक्सपेंडिचर मेथड में क्या है, हमें कन्फ्यूजन नहीं आता है एंड वो काफ़ी ईजी है। तो हम इनकम एक्सपेंडिचर वाला मेथड यूज़ करेंगे इसमें। तो इनकम एक्सपेंडिचर मेथड में जब हम सॉल्व करते हैं तो पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो फर्स्ट देख लेते हैं हम, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑल कैट्स आर डॉग। इसमें एक भी नेगेटिव वर्ड है क्या, जैसे कि नॉट, नो, नहीं है ना, तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो पॉजिटिव ले लेते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, ऑल कैट्स आर ब्लैक, इसमें भी कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट वर्ड नहीं है, तो ये भी क्या रहेगा, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया गया है, ऑल कैट्स आर डॉग, यहाँ पे ऑल बोला है, ऑल मतलब क्या रहता है, 150, मतलब कैट का वैल्यू क्या रहेगा, 100 रहेगा एंड डॉग का वैल्यू 50। सेम यहाँ पे क्या बोला गया, ऑल कैट्स आर ब्लैक, यहाँ पे कैट का वैल्यू रहेगा 100 एंड ब्लैक का वैल्यू रहेगा 50, ठीक है। यहाँ पे कंक्लूजन दिया गया है, अब कंक्लूजन भी सेम प्रोसीजर के अंदर क्या करना है, हमें पहले स्टेटमेंट देख लेना है, ऑल डॉग्स आर ब्लैक, ये क्या है, दो स्टेटमेंट कंक्लूजन मतलब कंबाइन करके एक कंक्लूजन बनाया गया, डॉग्स यहाँ पे है एंड ब्लैक यहाँ पे है, तो ये कंबाइंड स्टेटमेंट है। तो कंबाइंड स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट भी हमारा कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो इस कंक्लूजन पॉजिटिव है हमारा, हाँ पॉजिटिव है, तो ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया। सेकेंड देख लेते हैं, अभी डॉग का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया गया है, 50 दिया गया है, तो यहाँ पे बट डॉग का वैल्यू क्या दिया गया, 100 है, ऑल डॉग्स आर ब्लैक, यहाँ पे क्या आएगा, 150, तो यहाँ पे डॉग का वैल्यू क्या है, 100 दिया गया है, तो ये इसके पास 50 है, तो यहाँ पे 100 यूज़ कर सकता है क्या, नहीं यूज़ कर सकता है, तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड कंक्लूजन देखते हैं, सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, यहाँ पे क्या आ गया, नॉट आ गया, मतलब ये क्या हो गया, ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया, ये भी कंजाइंस मतलब दो स्टेटमेंट को कंबाइन करके बनाया गया कंक्लूजन है, और दो प्लस प्लस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट यहीं पर हमारा रॉन्ग हो गया। तो अब देखते हैं हमारा क्या, एक भी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन सी, नाइदर कंक्लूजन वन फॉलोज नॉर कंक्लूजन टू फॉलोज, ऑप्शन सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।